गाइज राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग, सुबह हो चुकी है और हम लोग भी सोकर उठ चुके हैं। गाइज देखिए, मम्मी जी यहाँ पर रोज की तरह हमारा लंच बनाने के लिए लग चुकी हैं। माँ क्या बना रही हो? छिलका। तो गाइज मम्मी यहाँ पर छिलका बनाने के लिए ये घोल तैयार करके रखी हुई है, और जब ये तवा गर्म हो जाएगा तो उस पर ये डाल देंगे। ये हमारा लंच बना रही हो ना गाइज? तो सब कोई तो सोकर उठ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं अदिति फिलहाल क्या कर रही होगी। अदिति क्या कर रही हो? क्या? तो गाइज ये बुक कॉपी से मिटने के बजाय अपने बुक में फिर से नेम लिख रही है। अभी सडनली पापा गेट ठक ठक आए और देखे कि फूल तोड़ के आए हैं और ये कुछ उसका टहनी तोड़ के लेके आए हैं। ये टहनी क्यों पापा? ये टहनी लाए हैं कि दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा में सब लोग फूल तोड़ देते हैं जल्दी जल्दी। हाँ मैं अपना फूल लगाऊंगा सेपरेट रहेगा। दुर्गा पूजा फिर से कब है? तो दुर्गा पूजा कब से? 15 अक्टूबर। तब तक ये फूल देने लगेगा। तो गाइज इसमें दो तरह का टहनी है, देखिए एक ये जो बड़े वाले ऊपर में फूल हैं और एक ये छोटे वाले, तो दो तरह के फूल उगेंगे ना। तो गाइज फाइनली मैं नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। तो गाइज आज के नाश्ते में मम्मी ने मुझे दिया है चना और मूंग, इसे खाकर मैं फाइनली स्कूल चला जाऊंगा। मम्मी ने हमारे यहाँ पर हल्दी वाला दूध भी रखा हुआ है जो कि अदिति का खत्म हो चुका है और मैंने रखा हुआ, तो मैं इसे पीकर स्कूल जाता हूँ। मैं पूजा करने जा रहा हूँ दोस्तों, और मैं कल का जितना भी ये सब है फूल ये सब मैं अभी सबको हटा रहा हूँ, और इसके बाद पिज्जा का बर्तन धोऊंगा। तो यांशु और अदिति स्कूल चला गया है और वो लोग लौटेंगे 1:30 बजे। आज मैं आप लोग को अपने गांव का मैं आपको शेयर कराऊंगा। गांव मेरा बहुत प्यारा है और मैं यहाँ पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद पूजा के भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये प्याज कट रहे हैं, इसमें मिर्ची भी है, क्या चीज के लिए बन रहा है? तो इसमें चोखा मालू डलाएगा ना? अच्छा, और बैगन के लिए क्या बैगन में क्या डलाएगा? अभी बैगन और टमाटर के चोखे बन रहे हैं, अभी मैं इनको भूज रहा हूँ, और टमाटर भी है, इसमें लहसुन भी डाला है और बहुत स्वादिष्ट है। और शनिवार है, खिचड़ी भी बन रहा है, यहाँ पर कुकर पर चढ़ा हुआ है, बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से। तो गाइस फाइनली मैं स्कूल से आ चुका हूँ। तो मैंने स्कूल से आकर घर में देखा तो मम्मी शायद छत पे गई हुई है, और मैंने तो अभी तक अपना ड्रेस भी नहीं चेंज किया है। पर अदिति यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज करके पूरा तैयार है। इसके बाद क्या करोगी अदिति? खाना। क्या करोगी? खाना खाऊंगी। तो इसके बाद अदिति खाना खाने के लिए जाएगी। मम्मी यहाँ पर फाइनली छत पर से आ चुकी है। कहाँ गई हुई थी मम्मी? तो गाइस हमारा सजेशन राइट निकला। तो गाइस फाइनली मैं स्कूल से आने के बाद अपना ड्रेस चेंज कर लिया हूँ। गाइस स्कूल से आने के बाद मम्मी ने मेरा खाना लगा दिया है, जिसमें कि खिचड़ी है, ये बैगन का चोखा है, ये आलू का चोखा है, और ये कुछ सलाद है। तो गाइस फिर से मैं आपसे खाना खाने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस अदिति यहाँ पर कुछ अपना पेंटिंग कर रही है, जिसमे की अदिति ने इसके ऊपर दिल बनाया और उसके ऊपर कागज फाड़ फाड़ के चिपका के उस पर पेंट कर रही है। ये हम लोग यहाँ पर तार से घेराबंदी करवाया हूँ, नीलगाय आ जाता है इस कारण। देखिए धान का खेत है पूरा बिना पानी का है, क्या हाल हो गया है। ये पानी आ रहा है यहाँ से, देखिए ऐसे 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 पानी गिर रहा है। देखिए पानी आ रहा है हम लोग का। धान के बिया बुना हुआ था इसमें, जो इस साल बारिश नहीं होने के कारण और बाकी खेत में धान नहीं लग पाया, इसी कारण से बिया इसी में रह गया। और इसमें भी बिया डाला हुआ था धान का, जिसको हम लोग मोरी बोलते हैं, इसमें डाला हुआ था और इसमें डाला हुआ था, इसमें से हम लोग यूज किए, बाकी थोड़ा सा देखिए आगे बच गया है। यहाँ पर देखिए सामने में बचा हुआ है, इसमें भी धान लगा हुआ है। ये तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है दोस्तों, ये हमारी धर्म पत्नी के द्वारा लगाया हुआ है। देखिए कितना विकराल रूप ले लिए हैं तुलसी ने। ये मेरा मोटर हाउस है, इसमें तुलसी निकाल रहे हैं। हम लोग जब कभी पार्टी करते हैं उसका बर्तन वगैरह है,
स्टार्टर है, सब तार ठीक करवाना है दोस्तों। ये जो नजर आ रहा है खाली जमीन, ये सब बरसात में सूखी जमीन है, सब बरसात में लोग पूरा पानी भर जाता था, इसमें पूरा मछली रहता है। इस साल अच्छी बारिश नहीं होने के कारण सब खाली है एरिया, ये सब जो एरिया है सब पानी भरा हुआ रहता था टोटल में। तो समझ सकते हैं कि कितना विकराल हो गया स्थिति बारिश नहीं होने के कारण। दोस्तों मैं आज गांव पर आया हूँ, लमसम लगता है कि 10 दिन के बाद आया हूँ आज की स्थिति में। धान के देखा तो मुझे तरस आ गया, आग से एकदम लग रहा है कि क्या भगवान ने कर दिया है। किसान कितना मेहनत से खेती करता है, कहां से पैसा व्यवस्था करता है बताइए, लूट को तो नहीं लाता है। उसके बाद भी किसान का रोवा एकदम खड़ा हो जा रहा है, धान की स्थिति देखकर पूरा जमीन फट गया है दोस्तों। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, 2 साल से बारिश नहीं हो रही है, क्या कर सकता हूँ बताइए। और जब मैं गेहूं करूंगा तो उसमें नीलगाय आ जाता है, पूरा खा जाता है, खेती को बर्बाद कर देता है। उसके बाद देख रहे हैं सब काटा वाला तार लगा हुआ है, टोटल सब लगाया जितने नजर आ रहे हैं आपको, उसके बाद भी नीलगाय घुस जाता है, बर्बाद कर देता है खेती। देखिए मैं इसको पोल का ढलवाया था और ये तार है, ब्लेड वाली तार है, ये सब मेरा बगीचा है, सागवान का पेड़ है। इसमें शीशम का पेड़ जन्म गया है बहुत सारा, आपको सागवान भी नजर आता होगा। ये रहर इसमें लगाया हूं, आप देख रहे होंगे कि रहर का पौधा है ये। लमसम 1.5 बीघा में रहर लगा हुआ है, देखिए पौधा। रुआ का पेड़ है, इसमें पिल्लू डलाता है रुआ, इसी का है पौधा। देखिए कितना शानदार लग रहा है देखने में, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि पेड़ कैसा है मेरा। ये महोगनी का पेड़ है, ये जितने भी आप देखते होंगे आर्म्स में जो लकड़ी का मुट्ठा रहता है राइफल में, इसी लकड़ी का उसमें मुट्ठा बनाया जाता है। शानदार दृश्य है दोस्तों, इधर का तो शानदार दृश्य है, हरा भरा है। आप इसी का साइड में आप आइएगा तो खेत में आपको पानी नहीं मिलेगा। ये धान में पानी पूरा भरा रहना चाहिए, जो बरसात नहीं हुआ है धान सूख रहा है। धान का स्थिति देखकर मेरा आज तो दिमाग खराब हो गया है, क्या मैं करूं, दम सूख गया है दोस्तों। जब किसान धान पैदा करेगा तो आप लोग को भी अनाज मिलेगा। मार्केट में तो धान तो या कोई भी चावल या कोई भी चीज तो पैदा नहीं होता है, किसान के खेत में होता है तभी तो मार्केट में जाता है दोस्तों। ये भयावह स्थिति बर्बाद कर देगा किसान, बहुत भयावह स्थिति है दोस्तों। मैं तो आज आया खेत का निरीक्षण कर रहा था, निरीक्षण करने के बाद मुझे समझ में आ गया स्थिति बहुत दयनीय है किसान का। चारों तरफ मैंने धान लगा दिया, मैं अपने तरफ से कहूँ प्रयास पूरा किया था, क्या करें देखा जाए धान सूख रहा है दोस्तों। किसान कितना मेहनत से पैसा व्यवस्था करता है, उसका अंजाम ईश्वर ने ये दे दिया। ठीक है ईश्वर ने ही बिगाड़ा है, ईश्वर ही बनाएंगे, ये हम लोग को भरोसा रखना है। बारिश होगा मैं भी खुश रहूंगा, बाकी दोस्तों आप लोग भी खुश रहिएगा कि आप लोग जो थाली में मिलता है ना ये हम ही लोग का देन है, और मेहनत करते हैं आप लोग को मिलने वाला मिल सकता है, कुछ नहीं मिल पाएगा दोस्तों। इसी जमीन पर सब जो धान देख रहे हैं सब हरा हरा देख रहे हैं, सब पानी पटवन किया हूं मोटर से, इस समय भी यूरिया डालना है और पोटास खाद डालना है। पोटास काम करता है पत्ता को हरा करता है, यूरिया पौधा को बड़ा करता है, यही सब प्लॉट में डालना है। ये यूरिया खाद है
ढीला बन गया है, उसको फोड़ा जा रहा है। जो काला काला नजर आ रहा है उसके अंदर पोटाश डाला हुआ है। पोटाश को बिल्कुल बड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। ये पोटाश हो गया, देखिए इसको पोटाश बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे महेश भाई हैं, इतना मेहनत से मिला रहे हैं। तो हम मजदूरी कम दे देते हैं, जब कभी नहीं देते तो हमसे गुस्सा भी जाते हैं, है ना महेश? गुस्सा जा है कि ना गुस्सा जा है? इतना अच्छा से ये लोग मिश्रण कर दिए दोनों खाद को। देखिए अभी खाद छींटने के लिए हमारे गांव में मास्टर पीस आ गई है। देखिए कितना अच्छा छींटेंगे। ला ये वाला मिला, हम ये वाला दे रहे हैं, ला इसमें कीजिए, ये वाला में। इसमें छींटिए, हम अभी दिए हैं, इसमें वो टप टूट गया, इसी चलते हम लोग निकाल दे रहे हैं। इधर छींट रहे हैं ये भाई साहब, इधर छींटेंगे। दोस्तों खाद छिटाई का काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे लोग छींट रहे हैं, जो हमारे स्टाफ लोग हैं। खाद छिटाने के बाद आपको मैं 10 दिन के बाद इसका मैं वीडियो भेजूंगा, आप देखेंगे कि बहुत फर्क होता है। और हम लोग गोबर भी देते हैं, गाय भी रखते हैं, हम लोग गोबर भी देते हैं खेत में, उससे खेत और हम लोग सुंदर हो जाता है, मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाते हैं। आसमान में सिर्फ तितली ही तितली उड़ रही है भाई। मैं वीडियो अनकट कर दिया था, मैं सोचा नहीं इसको भी मैं कवर कर लूं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, क्या दृश्य है यहाँ का, वाह वाह बहुत सुंदर लग रहा है। ये खजूर के पेड़ है, क्या शाम का समय है, 5:08 हुआ है। दोस्तों मैं थोड़ा सा पानी पीने जा रहा हूँ, मोटर का पहाड़ी पानी, ये पहाड़ी पानी है, आप देखिए इसको, पहाड़ी पानी आएगा, ये पत्थर का पानी ना, फ्रिज का पानी खेल है, मिनरल वाटर है ये। गाइस शाम हुआ नहीं कि अदिति यहाँ पर सोने के लिए लग चुकी है, तो चलिए इसे उठाते हैं। अदिति 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 खाना खा लो अदिति। तो गाइस ये अदिति यहाँ पर खाना खाने के लिए भी नहीं उठ रही है, तो इसे गहरे नींद में है, तो इसे सोने के लिए छोड़ देते हैं। तो गाइस अदिति सो चुकी है, तो उसका खाना तो निकलेगा नहीं, तो पापा कुछ काम कर रहे हैं, तो वो भी अभी खाना नहीं खाएंगे, तो मम्मी ने मेरा सिर्फ अकेले का खाना निकाल दिया है और मम्मी खाना बना रही है। आज के रात के खाने में मम्मी ने बनाया है रोटी, ये सलाद है और ये भिंडी का भुंजिया है।